गाना हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली वी डिसाइडेड टू डू द सॉन्ग एंड जहाँ पे टीम 07 की बात आती है दे हैव सच गुड फैन फॉलोइंग एंड विद गुड फैन फॉलोइंग इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एन सोशल मैसेज जैसे आपने सुना है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जहाँ इनकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है हमने सबने डिसाइड किया कि हम जब भी गाना करेंगे हम एक सोशल अवेयरनेस और सोशल मैसेज के साथ गाना करेंगे जो यूथ को अपील करेगा बिकॉज देयर फैन फॉलोइंग डायरेक्टली अपील्स टू द यूथ सो विद नज़र ना लग जाए वी एब्सोल्युटली कम अप विद एन आइडिया टू गिव एन सोशल मैसेज ऑफ सेइंग नो टू ड्रग्स एंड सेइंग यस टू लाइफ और बहुत दिल से गाना बनाया हम सब ने बहुत मेहनत की है इसके बट ये आपके बिना नहीं हो पाता हाँ। पाजी बता रहे थे पाजी पहले मतलब हम लोग से पूछ रहे थे कि सॉन्ग करना है तो हम लोग को पूछे कि पार्टी सॉन्ग करे कि क्या करे तो फ्रेंडशिप डे आने वाला था फ्रेंडशिप डे के दिन वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिर डिले हो गया और पार्टी सॉन्ग नहीं मैं बोला कि अभी जैसे हम लोग इतने टाइम से चालू है और पार्टी सॉन्ग तो करते रहेंगे पर पहले कुछ कोई सोशल कॉज के लिए अगर गाना करेंगे और हम लोग के मतलब जो बॉन्डिंग है वो शो कर पाए कोई इमोशनल सॉन्ग तो पाजी फिर ये गाना लिखे सॉन्ग की लॉन्च डेट थी 24 की और हम लोग ये 24 को ही लॉन्च करने वाले थे गाना लॉन्च होने वाला था एक्चुअली बट हम लोगों का ये था कि हम लोग शूट पे थे मैं और रामजी आर्मेनिया में नेक्स्ट सॉन्ग की तो उस वक्त हमको पता चला कि हमारा सॉन्ग लीक हो चुका है ये एक्चुअली किसी को पता नहीं है ये बात किसी को पता नहीं है और हम लोग उस वक्त बहुत घबरा गए थे कि मतलब पहले ही वायरल हो गया तो पता नहीं व्यू जाए नहीं जाए लोग पहले ही देख लेंगे तो वो तो अच्छा है कि वीडियो में जो वायरल हुआ था उसमें सस्पेंस नहीं आया जो था तो उस वक्त फिर हम लोग ने सोच लिया और डिसाइड कर लिए थे कि रात में ही हम पूरी तरीके से प्लान करके सुबह अच्छे से सब जगह सबको भेज के और उस चीज़ का हम लोग ने प्रीमियर भी कराए यूट्यूब पे और उसे अपलोड करे और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत अच्छा हम लोग को एंगेजमेंट भी आया और बहुत अच्छा व्यू भी आया हम लोगों को यूट्यूब पे सबको सरप्राइज गाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों को और मतलब हम लोगों को मतलब शूट का इतना सुबह उठने की आदत नहीं है जो कि हम लोगों ने आदत में लाया उस चीज़ के अलग ही एक्सपीरियंस है और पहली बात तो वहाँ का क्लाइमेट मतलब कभी गए नहीं थे फर्स्ट टाइम गए थे और शूट वहाँ पे वहाँ का इतना वहाँ का क्लाइमेट इतनी गर्मी और मैं बीमार पड़ गया था लास्ट में जो वो सीन है ना वो मरने वाला वो सही में मेरी हालत वैसी हो गई थी लेकिन बच गया अदनान अगले सवाल आने से पहले एक बार अगर साथ मिलकर गाना अगर आप लोग गा दें जरूर 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 1 2 3 गो नजर न लग जाए कदी सादी आरियानु नजर न लग जाए कदी सादी आरियानु वक्त ने जो तो भी आजमाया यार मेरे नाल मेरे खड़े ने जद शूले इस बंदे नहीं आंदे सी ओ दो ते होए मेरे नाल बंदे ने मेरे ले नहीं मंगदा यारा नहीं दुआवा रब्बा बुरी नजरों से बचाई सड़ी यारिया ने नजर में लग डेब्यू की बात है तो मेरे ग्रुप पे मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग की एक्टिंग लेवल बहुत अच्छी है अल्लाह का शुक्र है तो पाजी को भी ऐसा करके इन लोग एक बार बताने की जरूरत है बस हाँ इन लोग को जरा भी ऐसा नहीं लगा दैट दे आर वर्किंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम इन लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और जब हम सेट पे भी रहते हैं इन लोग इतने इनोवेटिव और इतने क्रिएटिव हैं अपने आइडियाज़ भी साथों साथ इतने दे देते हैं पाजी ऐसा नहीं ऐसा करते पाजी ऐसा नहीं ऐसा करते तो जो हम लोग की मिलजुल के वो जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपको इस वीडियो में दिखा रहेगा एंड ट्रस्ट मी ये आपने वीडियो देखा और बहुत कुछ आने वाला है एंड यू गोइंग टू लव देम एब्सोल्युटली लव देम हमने पूरा वीडियो मिलजुल के बनाया है सारे आइडियो के साथ सारे एक्टिंग के साथ दे आर फैंटेस्टिक एक्टर्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई एंटायर टीम यूनाइटेड वाइट फ्लैग जो वीडियो का पार्ट है मैं ऑडियो टीम फॉर बींग देयर एंड दे आर फैंटेस्टिक एक्टर्स एंड मोर देन एक्टर्स ये बहुत ही अच्छे इंसान है सारे के सारे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच
हाँ सवाल आपसे है, क्या है, कुछ समय पहले कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से टिकटॉक पर से टीम 07 को जो है बैन किया गया, हाँ उसके बावजूद आपने इनको लेकर के वीडियो बनाया, वीडियो सॉन्ग बनाया, हाँ क्या ऐसा प्रॉमिसिंग लगा इनके अंदर और आज 3 दिन हो चुके हैं, गाना बहुत ट्रेंडिंग पर है। मैं जब भी इनसे जुड़ा था, इनसे दिल से जुड़ा था, दिमाग से नहीं जुड़ा था, तो आज भी जुड़ा हूँ, कल भी जुड़ा रहूँगा, मरते दम तक जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच, ये हम लोग का प्यार है। सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट जो लोग सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, दे वेरी नाइस पीपल बाय हार्ट बाय नेचर। और जहाँ टिकटॉक का सवाल है, टिकटॉक बंद, इन सबका बैन हो गया ना, तो भी आप देखो विदाउट टिकटॉक हमारा गाना तीसरा दिन है ट्रेंड कर रहा है। सो दैट्स हाउ पीपल लव देम, ये लोगों का प्यार है इनके लिए, एंड ये आज सबको दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और सर, तो आप लोगों की दोस्ती की और टीम 07 की क्या खास बात है, क्या यूएसपी है, अगर थोड़ा सा? हमारी दोस्ती और हमारी खास बात ये है कि हम, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, मसला कुछ भी हो रहा है लेकिन सब शेयर। बस थोड़ा अदनान हो जाती, काफी फैन मतलब नाराज हो जाते काफी, इसमें वो मतलब उस चीज को लेके काफी इमोशनल हो जाते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो चाहिए था। नहीं, हम चाहते थे कि लोग कनेक्ट हो गाने से, और आप देखोगे एक एक सीन जो डिजाइन किया है शुरू से लेके अंत तक, आप किधर ना किधर अपने फ्रेंड्स को रिलेट करोगे, और किधर ना किधर आपको उनकी याद आएगी, आप इमोशनली इस गाने से जुड़ोगे। और साथ ही साथ जो हमने एक मैसेज देना चाहा, जैसे अदनान जो इनका सीक्वेंस है गाने में, सो दैट इज़ अ मैसेज टू द यूथ की से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ, से यस टू योर फ्रेंड्स, इफ यू लव योर फैमिली, इफ यू लव योर फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टॉप डूइंग ड्रग्स। तो ये हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे आज के यूथ को, क्योंकि पूरी टीम 07 की फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है यूथ में, एंड यूथ का कनेक्शन इतना हुआ है, वी गॉट मोर देन 1 लाख हाउ मेनी कमेंट्स, 1,30,000 कमेंट। या आगे आने वाले समय में इस तरीके का और कोई इनिशिएटिव, जिस तरीके से आपने एल्बम जो बनाया है ये ड्रग्स के ऊपर में, से नो टू ड्रग्स, आगे और क्या प्लानिंग्स है? इंशाल्लाह और भी नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है, तो हम लोग एक मॉरल मैसेज के साथ में आएंगे। यस यस, सिर्फ एक ही टॉपिक को लेके नहीं, हम लोग अलग अलग आइडियाज अभी, जैसे अभी ड्रग को लेके है, तो आगे चल के कुछ और ना, वो जब आएंगे, जब बन जाएगा तब आपके सामने सरप्राइज लेके आएंगे ना, अभी बोल देंगे तो सब मजा खराब हो जाएगा। नहीं, मैं बिग बॉस तो नहीं जा रहा हूँ, खबर मतलब आ रही है कि आप बिग बॉस के घर पे जाने लगे, कलर्स ने आपको कांटेक्ट किया, इस पर आप कुछ बताइए। नहीं, मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ये रियल लाइफ में बिग बॉस बने हुए हैं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ, मगर मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, अगर हम पाँचों को बुलाएंगे तो मैं जरूर जाना चाहूंगा। क्या शादान नहीं, वो आ रहा है, उसे बहुत मिस कर रहे हैं, और उसे गुस्सा भी कर रहे हैं हम लोग उस पे अभी। पर ओके, आप लोग इतने फेमस हो गए, जहाँ फेमस की बात आती है वहाँ ट्रोलिंग भी काफी होती है, आप लोग ट्रोलिंग कैसे मतलब हैंडल करते हैं? तो जो हम लोग अगर ट्रोल हम लोग जो देखते हैं तो हमको यही लगता है कि मतलब हाँ, ये कि ये ट्रोल इसलिए बन रहे क्योंकि हम फेमस हैं, तो वो ट्रोल से हम और फेमस होते हैं, तो जो लोग हमारा ट्रोल करते हैं तो हमें खुशी होती है कि मतलब कुछ हमें हमारे अंदर ऐसा कुछ देखे तभी ट्रोल कर रहे हैं। सर, आप कुछ बताना चाहिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत चुप रहता है, देखो खुद ही से बोल रहा है, वो शर्माता है, बता दिया उसने कि शर्मा रहा है, बोलने नहीं होता। अच्छा, थोड़ी सी नाउ और